जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, सुस्वागतम। मैं हूं फार्मासी सुधीर एंड आपको मेरा चैनल डीआरएक्स सुधीर फार्मासी की स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एनाल्जेसिक ड्रग के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि पेनकिलर दवाई के बारे में, यानी कि जो सा दवाई यूज किया जाता है दर्द को ठीक करने के लिए उसी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 5 ऐसे दवाई के बारे में बात करने वाले हैं जिसको आप दे सकते हैं किसी भी पेशेंट को, जिसको आप उपयोग कर सकते हैं अपने दर्द को ठीक करने के लिए। दोस्तों, दवाई के नाम जानने से पहले ये जो दवाई होता है वो कैसे कैसे काम करता है उसके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि जितने सारे दवाई के बारे में बात करने वाला हूं आज, हर एक दवाई का एक ही काम होता है, एक ही मैकेनिज्म होता है, एक ही मोड ऑफ एक्शन होता है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप अगर मेरे चैनल को पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलना। दोस्तों, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है कि ये जो दवाई होता है ये एक एनाल्जेसिक ड्रग होता है, यानी कि पेन किलर होता है। तो हमारा ब्रेन को तब पता चलता है जब हमारा जो मैसेंजर होता है वो जो नर्व मैसेंजर होता है, नर्व के थ्रू में हमारा ब्रेन को ये इन्फॉर्मेशन देता है कि वहां पे हमें दर्द हो रहा है। तो दोस्तों, जब भी हम एनाल्जेसिक ड्रग को इंटेक करेंगे तो वो क्या करेगा, कुछ केमिकल मैसेंजर वो भी खुद रिलीज करेगा और वही जगह को ब्लॉक कर देगा। जो सा मैसेंजर इंफॉर्मेशन ले रहा होता है हमारा ब्रेन को, वही मैसेंजर को ब्लॉक कर देगा। तो क्या होगा, हमारा ब्रेन को बताने चलेगा कि वहां पे दर्द हो रहा है। तो इसी तरह से ये काम करते हैं और हमारा जो दर्द होता है उससे हमें राहत दिलाते हैं। चलिए दोस्तों, 5 दवाई के बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले नंबर पे आता है डाइक्लोफेनेक। दोस्तों, डाइक्लोफेनेक भी एक एनाल्जेसिक ड्रग होता है, तो ये एक पेनकिलर होता है जो 50 mg में मौजूद होता है। दोस्तों, आज जितने 5 ऐसे दवाई के बारे में बात करेंगे सबका डोजेस एडल्ट डोजेस के हिसाब से बताया जाएगा। कोई भी चिल्ड्रन को या बिलो एजेस को आप दे रहे हैं तो डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करेंगे। दोस्तों, डाइक्लोफेनेक जो होता है वो 50 mg में मौजूद होता है, यानी कि एक एडल्ट पर्सन की डोजेस होता है इसका 100 mg, दिन में आप 2 दे सकते हैं। ये इंजेक्शन फॉर्म में भी अवेलेबल होता है एंड टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। इंजेक्शन में पर ml 75 पर mg में भी होता है, 3 ml में भी 75 mg तक मौजूद होता है। दोस्तों, दूसरे नंबर पे आता है एसिक्लोफेनेक। दोस्तों, ये एसिक्लोफेनेक होता है वो टैबलेट फॉर्म में भी आता है, इंजेक्शन फॉर्म में भी आता है। जो टैबलेट फॉर्म की बात करेंगे दोस्तों, तो ये एक टैबलेट 100 mg में भी आता है, 200 mg में भी आता है। बट एक एडल्ट पर्सन की डोजेस की बात करें तो 200 mg पर डे सफिशियंट होता है और डॉक्टर भी प्रेस्क्राइब करते हैं। दोस्तों, 3 नंबर पे आता है आइबोप्रोफेन। आइबोप्रोफेन 400 mg में मौजूद होता है, इसका भी इंजेक्शन आता है और टैबलेट भी आता है। दोस्तों, इसका जो डोजेस बात करें एडल्ट पर्सन के लिए 100 mg पर डे आप किसी एडल्ट पर्सन को दे सकते हैं। ये 400 mg में मौजूद होता है, 200 mg में मौजूद होता है। तो दोस्तों, ये दिन में 2 भी उपयोग किया जा सकता है, यानी कि 400 mg का 2 यानी कि 800 mg का आप दे सकते हैं। किसी पर्सन को ज़्यादा दर्द हो रहा है तो आप 800 से 1000 mg तक भी कर सकते हैं डॉक्टर की सलाह के साथ। उसके बाद दोस्तों, 4 नंबर पे आता है पैरासिटामोल। दोस्तों, ये एक ऐसा दवाई होता है जो एंटीपायरेटिक होने के साथ साथ भी एनाल्जेसिक है। दोस्तों, ये ड्रॉप फॉर्म में भी अवेलेबल होता है और उसके साथ साथ ये सिरप में भी अवेलेबल होता है और टैबलेट में भी अवेलेबल होता है, इंजेक्शन फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। दोस्तों, इंजेक्शन की बात करें या टैबलेट की बात करें तो एडल्ट पर्सन की डोजेस की बात करें तो एक पर्सन में 1500 mg तक यूज कर सकते हैं। अगर आप 500 mg का टैबलेट यूज कर रहे हैं तो कहीं कहीं पर देखा गया है डॉक्टर TDS प्रेस्क्राइब करते हैं, किसी को ज्यादा बुखार है तो TDS यानी कि ट्राई ए डे, दिन में 3 यूज करते हैं, यूज करने के लिए सलाह देते हैं। और आप 650 mg का यूज कर रहे हैं तो दिन में 2 भी यूज कर सकते हैं, TDS भी इसको यूज कर सकते हैं डॉक्टर की सलाह के साथ। बट 1500 mg तक एक लिमिटेड डोजेस होता है किसी भी पेशेंट को उसके बुखार को सही करने के लिए। दोस्तों, उसके बाद 5th नंबर में आते हैं ट्रामाडोल। दोस्तों, ये एक ऐसा एनाल्जेसिक ड्रग होता है कि किसी पेशेंट को इनर पेन हो रहा है, मान के चलो किसी पेशेंट एक्सीडेंट की वजह से गिर जाता है और उसके अंदर में दर्द हो रहा है, तो उसी दर्द को ठीक करने के लिए ट्रामाडोल इंजेक्शन या ट्रामाडोल टैबलेट को अपनाया जाता है। दोस्तों, ये जो ट्रामाडोल इंजेक्शन फॉर्म में भी आता है और टैबलेट फॉर्म में भी आता है, इसको डोजेस की बात करें, एक एडल्ट डोजेस की बात करें तो 100 mg तक एक पर्सन जो होते हैं, पेशेंट जो होते हैं वो यूज कर सकते हैं 100 mg तक। डॉक्टर बढ़ा सकते हैं, आपकी जो पेशेंट की हालत को देखते हैं उसका डोजेस बढ़ा सकते हैं या घटा भी सकते हैं। दोस्तों, इंजेक्शन दे रहे हैं तो आप दिन में 1 दे सकते हैं और उसके बाद अल्टरनेटिव पे आप टैबलेट दे सकते हैं।
दोस्तों ये रहा 5 तो ऐसे दवाई जो आप किसी भी कैसे प्रकार के दर्द को भी ठीक करने का क्षमता रखते हैं। ये 5 दवाई, पहला दवा पे आता है डाइक्लोफेनेक, उसके बाद एसिक्लोफेनेक, उसके बाद आइबोप्रोफेन, उसके बाद पैरासिटामोल, उसके बाद ट्रामाडोल। दोस्तों ये 5 दवाई के बारे में, ये जो दवाई होता है ये एनाल्जेसिक ड्रग होता है, ड्रग ग्रुप से बिलोंग करती है और इसको बोला जाता है पेन किलर, यानी कि दर्द सही करने वाला दवा। दोस्तों आज रहा इसकी वीडियो में, और इसके साइड इफेक्ट यानी कि जो भी दवाई है इसकी साइड इफेक्ट, कॉमन से साइड इफेक्ट नजर आने की संभावना हो सकता है, जैसे कि नाउजिया, स्वेटिंग, उसके बाद गला सूखने जैसे महसूस होना, आंखों में ब्लर विजन होना, ये सारे कुछ कॉमन से साइड इफेक्ट नजर आने की संभावना हो सकता है। ये हर एक पेशेंट को नजर नहीं आता, अगर मान के चलो नजर आता है और डिसअपीयर नहीं होता है तो अपने डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करिए या अपने नियरेस्ट फार्मासिस्ट को जरूर कंसल्ट करिए। दोस्तों हमारा वीडियो का एक ही मतलब होता है कि आपको मेडिसिन के बारे में अच्छे से जानकारी मिल सके। हम कहीं से भी कैसे भी प्रोत्साहित नहीं करते हैं कि हमारा वीडियो को देख के आप मेडिसिन का इंटेक करें या खरीदारी करें। कोई व्यक्ति ऐसा कर रहे हैं या ऐसा करवा रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी खुद ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर आपको इंटरेस्ट लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को जरूर दबाना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, बोलते रहे। जय महाकाल।